जिला गुरदासपुर के बटाला की बैंक कॉलोनी में बीती रात गश्त कर रही पुलिस को नशे में धुत दो नौजवान लड़कियां और एक लड़का मिला। पुलिस ने तफ्तीश की बजाय उनकी जान बचाने को पहल दी और नशे कारण बेहोश हुई लड़कियां और लड़के को सिविल अस्पताल इलाज के लिए दाखिल करवाया और जब मीडिया अस्पताल पहुँची तो अस्पताल में दाखिल लड़कियाँ कैमरा देख बिस्तर से उठ भाग खड़ी हुई। पुलिस अधिकारी प्रभजोत सिंह का कहना है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने नशेड़ी लड़कियां जिनमें से एक लड़की गर्भवती भी है उसको इलाज के लिए दाखिल करवाया और होश आने पर लड़कियों ने बताया कि वह कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही है और मकान मालिक ही उनको नशा लाकर देता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मकान मालिक को पकड़ने के लिए मकान पर रेड की गई लेकिन मकान मालिक वहां से फरार हो चुका था। जल्द से जल्द उसको ढूंढ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन मरीज लेके आई है, दो लड़कियां एक लड़का लेके आया, तीनों नूं साडे को दाखिल करा के गए है वो, बट असीं उन्हां नूं बंदा फर्स्ट एड दित्ती आ, उन्हां नूं मरीज नूं दाखिल भी किया है, बट मरीज दी आपां सारा कानूनी कार्रवाई जो है बंदी से असीं कीती आ, आपां उन्हां दा इलाज किया है, बट वो लड़कियां ते लड़का फर्स्ट एड लैन तो बाद विच लगभग अद्धे घंटे बाद तो साड़ी बिना इजाजत लिया चले गए हस्पताल, अपनी मर्जी के नाल इतों छड़ के चले गए। एक मरीज का नाम रुपिंदर कौर, दूसरा रमनदीप कौर, तीसरा लड़का है उसका नाम है रजीव, असी तिन्हों नूं दाखिल किया है, बट हुण तिन्हों लड़के दो लड़कियां एक लड़का तिन्हें इलाज लैन तो बाद अपनी बिना डॉक्टर की इजाजत तो चले गए। असी इलाके की गश्त कर रहे सी अज्ज तो असी वेखे कि तीन नौजवान जिन्होंने दो लड़कियां तो एक लड़का नशे की हाल ही पूरे बेहोश पे से, उन्होंने हालत बहुत ही खराब सी। असी उन्होंने वेखिया उन्होंने घर जो मालक जी वो फरार से जोड़ा उन्होंने नशा सप्लाई करता से, असी उन्होंने जल्दी इंसानियत के नाते वेखिया कि पंजाब पुलिस का फर्ज है उन्होंने मैडिकल ट्रीटमेंट पहले करवाई जाए। असी उन्होंने फिर जाके सिविल हॉस्पिटल एडमिट करता, सिविल हॉस्पिटल जाते ही कुछ डॉक्टर ने तिना आनाकानी की मना किया कि अं नहीं कर सकते इदा जी इदा, फिर भी उन्होंने वारसों को अं बुला के उन्होंने फैमिली मैंबरस को बुला के डॉक्टर के हवाले किया तो उन्होंने उन्हें जान बचाने की कोशिश की, तो फिर असं उन्होंने सारी कानूनी कार्रवाई करके उन्होंने डॉक्टर अभी हैंडओवर करता। हाँ जी, एक महिला गर्भवती से, मेरे ख्याल से उन्होंने एक महिला की उम्र से 22 साल, एक भी 23-24 साल होगी, ये किराए पर रह रही थी, मालक मकान कोई होर से वो उदो मौके पर नहीं पाया गया, उन्होंने भी जल्दी अभी भाल करके जो भी कार्रवाई करनी हुई जी वारदात है दमकलों ने।